तो चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बीजेपी की ओर से 4 दिसंबर को राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस भी राहुल गांधी की रैली करा सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। सोमवार को दिल्ली से लौटे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने इसके संकेत दिए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहले ही अपनी उपस्थिति उत्तराखंड में दर्ज करा चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी सहित कुछ और नेताओं का उत्तराखंड दौरा होना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अभी तक उत्तराखंड में दौरा नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। इसकी कमान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने खुद संभाली हुई है। तो ऐसे में 4 दिसंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड में दौरा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को भी वहां पर बुलाया जा सकता है। हालांकि दिसंबर के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में राहुल गांधी भी उत्तराखंड में पहुंचकर हुंकार भर सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही हैं, जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में बेहद नजदीक है, इसीलिए तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसी पर एक बार फिर से उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ लगातार सुभाष गौर बने हुए हैं। सुभाष, जिस तरह से 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री तो पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और अपने जो केंद्र नेतृत्व हैं, बड़े चेहरे हैं जो चुनाव प्रचार करेंगे उत्तराखंड में, उनको उत्तराखंड में बुलाने की कोशिश कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि कांग्रेस से राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच सकते हैं और एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन वो जनसभा कब होगी ये अभी साफ नहीं हो पाया। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे, जनता के बीच वो रैली करेंगे। और कहीं ना कहीं वो रैली कहाँ की जाती है, कुमाऊं मंडल में वो रैली होती है, देहरादून में वो रैली होती है, पहाड़ के किसी विधानसभा क्षेत्र में वो रैली होती है, ये अभी कहना साफ नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि 2022 का जो चुनावी दंगल है वो उत्तराखंड में शुरू हो चुका है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आएंगे, अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद ही कांग्रेस से राहुल गांधी भी उत्तराखंड पहुंचेंगे और लोगों के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी ने जो बेहतर काम किए वो गिनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही सरकार ने जो प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, उनको लेकर भी वो जनता के बीच आते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुभाष, और देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दीपावली के बाद भी उत्तराखंड गए थे, केदारनाथ धाम वो गए थे, और ऐसे में चुनावी दौरा ये उनका 4 दिसंबर को होने वाला है, तो लोगों में आपने देखिए पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने के लिए है और लोग काफी उत्साहित है कि 4 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनकी रैली में वो शामिल होंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो क्या राहुल गांधी को लेकर भी उसी तरह का उत्साह उत्तराखंड की जनता में है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी की रैली को लेकर वो तिथि कहा जा सकता है कि साफ नहीं हो पाएगी, किस दिन राहुल गांधी उत्तराखंड में रैली करेंगे, किस स्थान पर रैली करेंगे और कितने लोगों को उस स्थान पर जगह मिल पाएगी राहुल गांधी के संबोधन सुनने के लिए। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी है वो किस तरीके से राहुल गांधी की जो जनसभा उसको सुरक्षित तरीके से कराती है, विशाल तरीके से कराती है, और उसका कितना फायदा जनता पर जाता है ये भी देखना होगा। लेकिन क्योंकि अभी तक यही साफ नहीं है कि राहुल गांधी आखिरकार पहुंचेंगे कब उत्तराखंड, लेकिन जब भी वो पहुंचेंगे ये जरूर है कि कांग्रेस की जो रैली है वो भी बड़े स्तर पर कराई जाएगी। जी वारुण, चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस भी तैयारी कर रही है कि वो राहुल गांधी को उत्तराखंड में बुलाए और एक जनसभा आयोजित कराए। लेकिन राहुल गांधी कब उत्तराखंड पहुंचेंगे, कब उनकी जनसभा होगी, इस चीज को लेकर अभी भी स्थिति कोई साफ नहीं हो पाई है।